बैक टू विलेज 3 सकुशल हो और लोग इससे जुड़ सकें, इसको सुनिश्चित करने के लिए कार्यक्रम बनाया है और उसमें 3 चीजें हम कर रहे हैं। एक अधिकार अभियान, मुहिम बराए हकूक जिसमें सर्विस डिलीवरी जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं सोशल सिक्योरिटी की, तो बेनिफिशरीज 100% सेचुरेट हो जाए, ये कोशिश प्रारंभ हुई है 10 तारीख से, गांव गांव हमारे लोग जा रहे हैं। उन्नत ग्राम अभियान, गांव एक विकास का मॉडल बने, इसकी कल्पना ग्राम स्वराज में बापू ने किया था और मुझे लगता है कि कोई भी अच्छा शासन तभी माना जाएगा जब गांव का सशक्तिकरण हो सकेगा। और तीसरा जन सुनवाई अभियान, छोटी छोटी बातें लोग अपनी कह सकें, उचित फोरम पर इसका इंतजाम किया जिसके तहत मैंने बताया कि डीसीज और एसपीज जाएंगे। जन सुनवाई अभियान के जो सैलियंट फीचर्स हैं, उस दिन मैंने आपसे चर्चा करी थी, हर वेडनेसडे को जो हमारे सब डिविजनल हेडक्वार्टर्स हैं 10 बजे से 4 बजे तक डीसी और एसपी, अगर एक जिले में 3 सब डिविजनल हेडक्वार्टर्स हैं तो नंबर 1 के जो अधिकारी हैं सब डिवीजन नंबर ए पर रहेंगे डीसी और एसपी, नंबर 2 का जो सब डिवीजन है हमारे दूसरे नंबर के अधिकारी एडीसी और एडीएम रहेंगे, एडिशनल एसपी रहेंगे, नंबर 3 पर हमारा तीसरा अधिकारी रहेगा और बाकी जो जितने विभाग हैं सामान्य आदमी से जुड़े हुए उनके सभी अधिकारी, चाहे वो पीएचईडी हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, रोड्स हो, एजुकेशन हो, स्पोर्ट्स हो, ये सब लोग भी वहीं उपस्थित रहेंगे। 10 से 4 लोग आएंगे, अपनी बात बताएंगे और जिसका समाधान तत्काल किया जा सकता है वहीं समाधान करने की का इंतजाम किया गया है। जो अगला वेडनेसडे होगा, अब अगर डीसी और एसपी सब डिवीजन ए पर हैं तो अगले बुधवार को सब डिवीजन बी पर चले जाएंगे, फिर नेक्स्ट बुधवार को सब डिवीजन सी पर चलेंगे, इस तरह से रोटेशन होता रहेगा। मैं समझता हूं कि इससे सामान्य आदमी के जीवन में जो कठिनाइयां हैं दूर करने में हमें मदद मिलेगी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।